नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। दुनिया एक अनजान वायरस की जद में आ चुकी है। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं बचा है जहां यह वायरस कहर नहीं बरपा रहा हो। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था तबाह होने के कगार पर है, तो विकासशील देशों के हाथ पांव भविष्य की सोचने मात्र से ही फूले हुए हैं। हालत यह है कि यह वायरस कब तक अपना कहर ढाएगा, इसकी कोई मियाद ही तय नहीं है। मगर इसके बावजूद दुनिया में एक और वायरस कुल बुलाने लगा है। यह वायरस है भविष्य में होने वाली एक बड़ी जंग का, जिसकी आधारशिला कोरोना वायरस के ऊपर रखकर ही तैयार हो रही है। दुनिया में गुटबाजी के लिए एक दूसरे को साधने की कोशिशें चल निकली है। खेमे बंदी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। ताकत के तराजू में पलटों के ऊपर नीचे होने का आकलन किया जा रहा है। इस वक्त जंग के लिए सुपर पावर अमरीका लगभग कमर कस चुका है। उसने कोरोना वायरस की उत्पत्ति और प्रसार के लिए चीन को दोषी ठहराया है। अमेरिका में इस वायरस ने भयंकर तबाही मचाई है। यहां मरने वालों की संख्या 80,000 के करीब पहुंचने वाली है, जबकि 13 लाख से अधिक लोग यहां पर पीड़ित हो गए हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अमरीकियों से कई गुना ज्यादा है, जबकि अमरीका अपने एक नागरिक की मौत का भी बदला लेने की नीति पर चलने वाला मुल्क है। ऐसे में चीन उसके कोप से बच पाएगा, यह नामुमकिन ही लगता है। आज चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बड़ा खुलासा करके दुनिया में सनसनी मचा दी है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और ताइवान स्टेट में हर तरह के वॉरशिप और वॉरप्लेन भेज रहा है, जिसे चाइना पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के लिए फिक्र की बात यह है कि वह चाहे कितने भी डींगे मारे, मगर अमरीका से टकराने का जोखिम वह बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। अमरीका के हाथों उसकी शिकस्त ज्यादा मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से उनके मुल्कों में हो रही तबाही पर टिका हुआ है, मगर अमेरिका एक साथ 3 मोर्चों पर काम कर रहा है। वह कोरोना वायरस से तो लड़ ही रहा है, यूरोप और अन्य मित्र देशों को भी चीन के खिलाफ लामबंद कर रहा है। साथ ही चीन की घेराबंदी के लिए कूटनीतिक माध्यमों का शानदार ढंग से इस्तेमाल भी कर रहा है। दुनिया के 2 दर्जन से अधिक देशों को अमेरिका की तरफ से दी गई मदद इसी रणनीति का एक हिस्सा है। पर मामला यहां तक नहीं है। पेंटागन इससे भी कई बड़े फैसले गुपचुप ले चुका है। चीनी मिलिट्री गतिविधि को रोकने के लिए साउथ चाइना सी में टोमहॉक क्रूज मिसाइलें तैनात की जा चुकी है। 1 मई से ही अमेरिका ने ईस्ट चाइना सी में 3 बार B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भेजा है। वहीं अमेरिका के परमाणु क्षमता संपन्न एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस थियोडोर रूजवेल्ट और यूएसएस अमेरिका MBBS असोल्ट शिप ने 15 मार्च को साउथ चाइना सी में अभ्यास किया है, जिसका मतलब है कि अमेरिका अपनी युद्ध रणनीति और तैयारियों को अमलीजामा पहना रहा है। केवल इतना ही नहीं, अमेरिका बेल्ट फील्ड पर परमाणु हथियार भी तैनात कर चुका है, जो यकीनन चीन के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। अपनी तरफ बढ़ते खतरे को देखते हुए चीन ने पिछले हफ्ते ही लाइव अभ्यास किया है, जिसके बाद से अमेरिका ज्यादा सतर्क हो गया है। अमेरिका ने अलास्का में अपने ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले F-35 फाइटर जेट को अलर्ट मोड में तैयार रखा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भी चीन को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं। एस्पर ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी का आक्रामक व्यवहार लगातार बढ़ रहा है। फिलीपींस के नौसैन्य पोत को धमकाने, मछलियां पकड़ने वाली वियतनाम की नौका डुबाने और अन्य देशों को डराने धमकाने के मामले इसी व्यवहार को दर्शाते हैं। चीन की सेना ने भी साफ कर दिया है कि वह किसी भी युद्ध के लिए तैयार है। यही नहीं, चीन के सबमरीन का खात्मा करने वाले विमानों ने भी गश्त बढ़ा दी है। चीन ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब अमेरिका लगातार इस इलाके में अपने सैन्य जहाज भेज रहा है। खास बात यह है कि अमेरिकी निगरानी विमान भी इलाके का नियमित दौरा कर रहे हैं, यानी अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे की गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब यह बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि दुनिया की 2 महाशक्तियों चीन और अमेरिका के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वैसे इस जंग की शुरुआत अमेरिका की तरफ से ही होनी है, क्योंकि चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत वह अपनी तरफ से पहल नहीं करेगा। मगर चीन दुनिया को कोरोना वायरस की तबाही का प्रसाद देकर यह पहल कर चुका है, जिसकी चपेट में आकर 2.5 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। चीन को भी इस प्रसाद के कसैलेपन का स्वाद पता लगना चाहिए। शायद सुपर पावर अमेरिका कुछ ऐसा ही करने के प्रयास में है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।